तो और और मैं शूट कर रही हूँ आपके पास मेरी जा रही है बट मैंने बहुत दिन से वीडियो शूट ही नहीं किया है बट आज मैं मतलब न्यू ईयर के बाद में फर्स्ट तो टाइम बैठ रही हूँ शूट करने के लिए सो हैपी न्यू ईयर आई होप की आपने इस साल जो भी सोचा है वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो जाए आप सेफ रहे हेल्दी रहे सो so, आज हम बनाने वाले हैं वीडियो बहुत सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊ क्या बनाऊँ तो मेरे जहन में आया कि हम हैक्स बहुत आजकल वायरल है ना तो हमने सोचा कि कुछ हैक ट्राई कर लिए जाए टूडेज इज ऑल अबाउट ब्यूटी हैक्स ब्यूटी के इतने सारे हैक्स है लाइक कॉन्टोरिंग ब्राउज लिपस्टिक फाउंडेशन लाइनर आई मेकअप इतने सारे हैक्स हैं और बहुत ज्यादा वायरल भी है ना देख के लगता है कि वर्क करेंगे सो so, उसमें से कुछ मैंने निकाले हैं जिससे हमको लगता है कि वर्क कर सकते हैं सो so, मैंने तो आज हम वो सारे ब्यूटी हैक ट्राई करने वाले हैं देखते हैं हमारा मेकअप कैसा टर्न आउट होता है उससे फर्स्ट एंड सेकेंडली काइज मैं आपको बोलना चाहती हूँ प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो बिकॉज योर वन लाइक इट मीन्स अ लॉट टू मी ट्रस्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो और मेरी स्किन आपको कैसी लग रही है मुझे अपनी स्किन बहुत हेल्दी हेल्दी लग रही है कॉज मैं कुछ एक नया नया सा ट्राई कर रही हूँ अपनी स्किन पे और मुझे उसके बहुत अच्छे और अमेजिंग रिज़ल्ट दिख रहे हैं सो so, मैं कुछ टाइम और यूज़ कर लूँ उसको उसके बाद मैं आपको उसका उसके बारे में बताऊँगी वो क्या चीज़ है कॉज सी कितना अच्छा लग रहा है स्किन ना बहुत डल हो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही थी मुझे बट मेरी स्किन अब बहुत अच्छी माशाल्लाह ठीक हो गई है सो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगा सो गाइज हमारा हैक नंबर वन है कि गाइज हम सबको पता है कि विंटर्स में हमने मैट फाउंडेशन नहीं लगाता नहीं लगा सकते सो so, अगर आप मैट फाउंडेशन वाले हैं तो सोलूशन ये है कि आपने अपना मैट फाउंडेशन लेना है उसमें आप अपना कोई भी सिरम या एलोवेरा उसको मिक्स करके अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपकी स्किन बिल्कुल भी आपको ड्राई फील नहीं होगी और जब आपका फाउंडेशन है वो मैट नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकेंडली आपने अपने जो हमारा ब्यूटी स्पंज है उसको आपने वेट नहीं करना है आपने उसको वेट करना है अपने सेटिंग स्प्रे से उसे क्या होगा जो हमारा मेकअप है वो विदाउट सेटिंग स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा एंड थर्ड आपने फाउंडेशन लगाने से पहले जहाँ जहाँ आपको अपने फेस पे यू नो अपना फेस का पॉइंट हाईलाइट करना है वहाँ आप पहले से हाईलाइटर लगाएंगे तो वो नेचुरली ग्लो करेगा सो so, फटाफट से ट्राई करते हैं सबसे पहले लगाते हैं हम फाउंडेशन तो मेरे पास है मेरा ये मिस रोज का लिक्विड हाईलाइटर सो ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा थोड़ा हम जहाँ जहाँ हमें चाहिए लाइक माई चीक बोन्स एंड इस हैक के लिए आपने लिक्विड फाउंडेशन ही लेना है आप कोई यू नो पाउडरी फाउंडेशन नहीं ले सकते एंड सेकंड मैं ले रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा और इसमें हम डालेंगे अपना फाउंडेशन और गाइस बहुत सारे हैक्स हैं गाइस बहुत सारे जिसमें से कुछ तो आपको दिख के लगेगा कि क्या है ये वर्क कर ही नहीं सकते बट मैंने जो लिए हैं वो मुझे लगा है कि वर्क करेंगे वही मैंने उठाए हैं फालतू तो में क्यों ट्राई करना है ना जो हमें पता है जो हो ही नहीं सकता सो भैया मैंने अपना एलोवेरा एंड फाउंडेशन ले लिया है इसको करेंगे हम पहले मिक्स गिक्विड हो गया है बहुत अच्छे से हमारा फाउंडेशन और बहुत ना क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है ज हमने एलोवेरा मंगाया मिलाया है और आप चाहें तो अपना कोई भी सिरम मिक्स कर सकते हैं एंड ये हैक आई थिंक बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये ले रही हूँ अपना ड्राई ब्लेंडर है ये बिल्कुल भी वेट नहीं है सो जो मेरा सेटिंग स्प्रे है मैं वो ले रही हूँ और ये मेरा डी आई वाई सेटिंग स्प्रे है नहीं देखा है मैं लिंक डाल दूंगी आप प्लीज देख लें See? कितना ग्लो कर रही है नहीं और हमेशा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने फाउंडेशन को हमेशा आपने डेप करना है ड्रैग कभी भी नहीं करना okay? का ग्लोइंग एलोवेरा ला डाला है फॉमी इट्स बिग यस आप प्लीज को घर पर ट्राई करें और आपको मजा आ जाना है और इसके बाद आपको पाउडर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है विंटर से जरूरत है वैसे भी नहीं है और जब हमने साइड इन स्प्रे लगाया है तो वैसी भी जरूरत नहीं है सो बिग था आप सो वैस फाउंडेशन लगाने के बाद जो ड्राइनेस फील होती है ना ड्राइनेस नहीं होता है ना कि हैवी हैवी सबने लगाया है वैसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है तो प्लीज सो so नेक्स्ट है हमारा फुल ब्राउज आपने क्या करना है अपने ब्राउज पर आपको शेप बने नहीं आती है आपके पास ब्रश नहीं है कुछ नहीं करना जिससे आपने ब्रश लेना है कोई भी ब्राउन कोई भी शेडो जो आपकी ब्राउज से मैच करता हो ब्राउन ग्रे ब्लैक जो भी लगा लें उसको रैंडल भी लगाएं एंड जस्ट वाइप्स उसको क्लीन करेंगे तो आपका आपका सुंदर सी ब्राउन आपके सामने आ जाएंगी सो so, मैं अपना एस एफ आर का पैलेट यहाँ पे यूज कर रही हूँ सो so, यहाँ पे लिया है मैंने ब्राउन शेड और हम इसको लगा लेंगे जस्ट आपने अपने ब्राउज को इससे फिल करना है सो so, गाइस मैंने आज से अपनी ब्राउज को फिल कर लिया है और मैं कैसी लग रही हूँ आपको सो so, आप हमने लेना है एक टिश्यू या वाइप जो भी आपके पास एंड जस्ट आपको जैसी आपको शेप चाहिए अपनी ब्राउज की मुझे खुद को देख के हंसी आ रही है सो so, जैसी आपको चाहिए खुद की आप उसको जस्ट साफ कर ले तो गाय जो हमारा है वो ऐसा टर्न आउट हुआ है सो so मैं नहीं कहूंगी कि ये बुरा है अच्छा है बट बुरा भी नहीं है अगर मैं इसको अच्छे से करती तो आई थिंक ये हो जाता बट मैंने हंसने के चक्कर में उसको इतना अच्छे से नहीं किया है बट अभी ये बाकी है सो मैंने यहाँ पे कंसीडर और जो हमारा फ्लैट ब्रश है हम उसको लेंगे एंड जस्ट अपने ब्राउज को एक शेप देंगे यू you नो know? नाउ इट्स लुक गुड बहुत अच्छे से हमारे हमारे जो ब्राउज है उसको शेप श्रे, मिल गई है तो गाइस ब्राउज को हमने अच्छे से फिल कर लिया है सी मैंने कंसीडर लगाया है एंड कितना अच्छा लग रहा है सो दिस हैक इज़ आल्सो थम दमी आप, आप ट्राई कर सकते हैं तो आइज़ हमारा थर्ड जो है वो हम करने वाले हैं अपने आइज़ को कट क्रीज देने वाले हैं बहुत लोगों को कट क्रीज करना बहुत अच्छा लगता है बट उन्हें नहीं आता है, है ना और जिनकी स्पेशली हुडी आइज़ होती हैं उनको अच्छा लगता है बट बिकॉज उनकी हुडी आईज वो नहीं कर पा नहीं कर पाते हैं सो तो हमारे पास है हैक अगर ये वर्क करता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सो बेसिकली आपको चाहिए एक लैश कर्लर आपका ब्रश एंड आपका आई शेडो सो so, आपने क्या करना है आपने अपने जो लैश कलर है उसको लेना है एंड जस्ट उसको जहाँ पे हमारा ये है ना इनर कॉर्नर उससे जस्ट अपने लैशेस को अपने लैश कलर को ऐसे ऐसा करके रखना है थी? और आपने लेना है अपने ब्रश में कोई भी एक ट्रांजिशन शेड बिल्ड जस्ट आपने उसको रख के एंड जस्ट अपने आईज को आती में थो, उसको मुझे थोड़ा डार्क कलर लेना चाहिए जिससे दिखे कि हमें को शेप मिली है या नहीं गाइज इसने वर्क किया है बट सी इसने क्रीज बनाई है बट हमें ना थोड़ा सा और डार्क कलर लेना है सो so, एक बार और ट्राई करते हैं इससे इस बार हम थोड़ा डार्क कलर लेंगे जस्ट उसको अपने इनर कॉर्नर में प्रेस करना है एंड जस्ट just... वापस से जो हमने ट्रांजिशन शेड दिया था मैं वो लूँगी और हल्का सा इसको ना अपने लास्ट इनर लास्ट जो हमारा आउटर वी है उससे मिक्स कर दूंगी एंड वाओ सी सेम हम इस आई के साथ करते हैं और मैं इस हैक से बहुत ज्यादा खुश हूँ सी जस्ट हमने थोड़ा सा और ठीक करना है बट पहले हम ये वाला आई कर ले मुझे बहुत पसंद आया ये एक्ट्रेस में सो ज़्यादा अच्छे से हम इसे कैसे दिखा सकते हैं हमने लेना है एक वाइट आई और जो हमारी जगह बची हुई है ना जैसे उसको हमने फिल करना है तो उससे जो हमारा जो कट क्रीज है ना वो अच्छे से दिखेगा यू नो सी आपको अच्छे से दिख रहा है तो हम इसे हल्का सा इसको क्लीन कर लेते हैं सो so इस हैक के लिए भी मैं बड़ा सा अप दूंगी बिकॉज मुझे ये हैक बहुत पसंद आया सी, कितना बढ़िया से कट क्रीज हो गया है इतनी जल्दी से इतना अच्छा सा सो so, नेक्स्ट है लाइनर <laughs> हमारा ये भी एक है कि लाइनर लगाने का सो so, आपने बहुत देखा होगा ना टेप लगा के लाइनर लगाते हैं वो भी अच्छा होता है गाइज मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छे से वो भी हो जाता है सो so, अभी जो रिसेंट वायरल हुआ है वो है स्पून अपने स्पून से ले लगाना है वाइल लाइनर और वो उससे बहुत अच्छा सा कर्व बन जाता है गाइज़ आई थिंक हम टेन में से एट लड़कियों को प्रॉब्लम है कि जो हमारी जो लाइनर है वो कभी भी दोनों आँख में इक्वल नहीं लगता है पता नहीं क्यों नहीं लगता बट नहीं लगता अगर ये स्पून भाई साहब ने वर्क किया तो दोनों आँखों में हमारा इक्वल लग जाएगा सो so बेसिकली आपने क्या करना है आपने अपना स्पून लेना है और आपने इसको रखना है अपने जहाँ पे अपने जहाँ पे आपने विंग बनाना है जस्ट आपने अपने स्पून को वहाँ रखना है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना लाइनर और यहाँ पे मैंने रखा है अपना स्पून जब ना जब ब्राउज यहाँ पे ख़त्म होती है ना जस्ट वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे हमारा जो विंग है वो वहीं पे जाके रुकता है एंड वहीं पे वहीं से हमारा विंग बनता है सी विंग बहुत लाइक स्ट्रेट लाइन बन गई जस्ट आपने उसको ज्वाइन करना है सेम विथ दिस आई तो so, हमारा जो विंग है वो बन गया है और ठीक है बना है गाइस बट मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा कोई स्पून को पकड़ के बनाना अगर हम कहीं जा रहे कहीं पे है तो हम स्पून तो नहीं लेके जाएंगे है ना सो so, ये वाला हैक जो है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा मस्कारा हैक हम जो अपने जो हमारा मस्कारा है वो हम अपने स्पूली से लगाते हैं ठीक है तो आपने क्या करना है इसमें आपने स्पूली नहीं लेना है आपने लेना है एक प्लगर एंड

Like, Same with lower lashes so हम जो, जो, जो वे है, उस वे में आपको मस्कारा लगा के दिखा वैसे तो आप देख ले हमारा नॉर्मल वे जिस तरह मस्कारा लगाते हैं और ये है हमारा हैक कुछ लग रहा है कुछ फर्क दिख रहा है कुछ भी नहीं है सो so... थम डाउन तो गाइज़ नेक्स्ट है अपने फेस को कॉन्टोर करना गाइज आप अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं आपको पता है मैं कभी भी कॉन्ट्रोल नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली कॉन्टोरिंग नहीं पसंद है सो so बहुत लोग कॉन्ट्रोल करते हैं बट तो उनको कॉन्ट्रोल करना आता भी नहीं है ना तो है क्या है हमारा आपने नेक्स्ट छोटो सा ब्रश और जो अपना कॉन्टोरिंग वाला ब्रश सो so आप मैं ले रही एक ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड जिससे हम कॉन्टोरिंग करते हैं बेसिकली सो so, आपने रखना है अपने ब्रश को जहाँ पे कॉन्टोर होता है सो so, जो हमारी ईयर है ईयर वाला इसके यहाँ पे ऐसे रखिए एडजस्ट ब्रश से उसको तो आपका एक अच्छा सा कॉन्टोर बन जाएगा आपके फेस को एक सी आपके फेस को एक बढ़िया सा कर्व मिल जाएगा सी थोड़ा सा और इसको डार्क कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए ना सेम विथ दिस साइड एंड जस्ट उसको ब्लेंड कर ले अच्छे से और आपकी हो गई बढ़िया सी कंटोरिंग करी दे थोड़ा सा और कर ले See? हो गई कंटोरिंग सो ये एक बहुत अच्छा है कि जिनको कॉन्ट्रोलिंग करना पसंद है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं नोज कॉन्ट्रोल पे सो सेम नोज के साथ भी करना है आपने जस्ट अपने तो ब्रश है उसको लेना है नोज के बिल्कुल तो सेंटर में रखना है और इस आपने ना बहुत थिन ब्रश लेना है, इसको रखना है नोज के सेंटर में एंड जस्ट उसको अपने नोज को कॉन्ट्रोल करना है जी? और जो एक्सेस है उसको कर दें आप रिमूव सी कितने अच्छे से कंट्रोल हो गई है नोज़ और आपने लेना है एक हाइलाइटर और जस्ट उसको अपने नोज़ के सेंटर एंड सी इस हैक ने बहुत अच्छे से हमारे नोज़ को शार्प कर दिया है तो ये हैक फोर है अच्छा है बहुत अच्छा है सो नेक्स्ट हमने लगाना है ब्लश बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्लश कहाँ लगाना है बहुत लोग हैं लाइक like वो ना यहाँ पे इस जगह पे ब्लश लगाते हैं बट जो जो रूल है हमने उसको ऐसे ब्लश लगाना होता है तो बहुत लोगों को नहीं पता होता ठीक है आपने क्या करना है बेसिकली जो लिपस्टिक है लिपस्टिक ले लें लिप, ब्लश नहीं है तो आपने उसको स्टार्ट करना है जहाँ आप हंस रहे हैं यहाँ से ऐसे करके एंड जस्ट उसको एक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे करके एंड जस्ट आपने एक फिश बनानी है ऐसा करके एंड ऐसे जहाँ आपका ब्लश लगना चाहिए वहीं लगेगा और जस्ट आपने उसको अपने ब्लेंडर से ब्लेंडर ले लें ब्रश ले लें ले और जस्ट उसको आप आउटर वे में लाइक like पीछे की तरफ आप उसको ब्लेंड करेंगे ये ब्लेंड ही नहीं हो रहा है सो so मैं आप अपना ब्लेंडर ले रही हूँ एंड सो वाइज इस हैक ने वर्क किया है बट इसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है नंबर वन एंड सेकेंडली मेरा फेस बहुत ज्यादा रेड हो गया मुझे नहीं पसंद तो आप इस हैक को कर सकते हैं बट अब आप आपको अपनी नोज को स्किप करना पड़ेगा ओके okay? एंड and... मुझे नहीं पता मैं कैसी लगी हुई और मैंने इसको बहुत ब्लेंड किया है मेरे तो जो चीक्स है ना उनमें लिटरली उसमें पेन हो रहा है सो so, आप इस हैक को बिल्कुल भी ट्राई ना करें लास्ट हैक जो है हमारा वो हम कर लेते हैं सो अल्ला है जो है लिपस्टिक तो मैं यहाँ ले रही हूँ मेरी स्टिक हुई कि लिपस्टिक और इसमें कोई शेड नहीं है सो so, आपने अपनी जो लिपस्टिक लगाते हैं आप वैसे लगा लें लिप्स so लगा लिया मैंने आप देखे और कोई शेप नहीं है कोई कुछ नहीं है तो है क्या है आपने अपना कंसीलर लेना है और जस्ट जैसे आपके लिप्स हैं उनको वैसे ही उनको क्लीन करना है गाइज फॉर मी इट्स बिग नो कॉज जो मेरा कंसीलर का जो मेरा जो ब्रश था उसको उसने पूरा खराब कर दिया और मुझे किसी किसी वे में नहीं लग रहा कि मेरी लिपस्टिक को ये यू नो क्लीन करेगा या फिर जो मेरे लिप्स हैं उनको एक अच्छा सा शेप दे देगा इस हैक को आप अपने नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ट्राई कर सकती नो सी सो सोई लिपस्टिक मैंने निकाल दिया कॉज कंसीलर मेरे माउथ के अंदर चला गया है लिटरली सो गाइस आज हमने बहुत सारे हैक्स ट्राई किए कुछ ने वर्क किए किसी ने नहीं किया मेरा फेवरेट हैक था जिसमें हमने अपने आईज को कट क्रीज दिया मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली आपको कौन सा हैक अच्छा लगा आप मुझे बताएं और यही थी आज की मेरी वीडियो अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू